ये तस्वीर करीब एक महीना पुरानी है जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंची थी और अशोक गहलोत और सचिन पायलट राहुल के दाएं बाएं चलते दिखाई दिए थे। ये तस्वीर 16 जनवरी की है जब एक तरफ जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत चिंतन शिविर में तमाम मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा ले रहे थे, उसी वक्त पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट किसान सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे। सचिन पायलट अब विधायक हैं, लिहाजा चिंतन शिविर में उनकी गैर मौजूदगी समझी जा सकती है, लेकिन किसान सम्मेलन का अर्थ साफ है, वो ये कि सचिन विधानसभा चुनावों से पहले अशोक गहलोत और आला कमान को अपनी ताकत का एहसास भी करा देना चाहते हैं और अपनी चुनावी तैयारियों को दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। नागौर में सचिन समर्थक कैबिनेट मंत्री हेमराम चौधरी ने तो ये भी कह दिया कि राजस्थान में सरकार सचिन पायलट की वजह से बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ विधायक बने हुए हैं। जो लोग इस देश को चलाते उन कुर्सियों पर वो लोग बैठे, गांव और गरीब और किसान के बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो उसकी कलम उनके लिए चलेगी जिस देश में जो लोग अनाज पैदा करते हैं। जब तक गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जिस कुर्सी से इस देश और प्रदेश में नियम कानून बनते हैं, तब तक सही मायने हमारा भला नहीं हो सकता। वोट की ताकत ऐसी ताकत है साथियों, वोट की ताकत इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी ताकत है, कोई कितना घमंड कर ले, कोई कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन 5 साल के बाद हाथ जोड़कर गांव और गरीब को गणेश मानकर पूजा करनी पड़ती है, वोट मांगने पड़ते हैं, हाथ जोड़कर शीश झुकाना पड़ता है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को हमारा आप समझते हैं, आने वाले समय में भी मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद बना रहे। सचिन पायलट 16 से 21 जनवरी तक किसान सम्मेलन करेंगे। वो जिन इलाकों में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे वो जाट बहुल इलाके हैं। इन इलाकों में कुल 47 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से अधिकांश पर कांग्रेस का कब्जा है। जाट वोटर्स सूबे की 50 से 60 सीटों पर असर डालते हैं। गुर्जर समाज से आने वाले पायलट जाट समुदाय की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए ही उन्होंने खास रणनीति के तहत नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली और जयपुर जिले का चयन किया है। लेकिन ये भी सच है कि अशोक गहलोत का राजनीतिक अनुभव सचिन पर हमेशा भारी रहा है और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद गहलोत की ताकत कम नहीं हुई है। लेकिन क्या इस बार आला कमान गहलोत को किनारे कर सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा या सचिन को जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाने का ठोस भरोसा मिलेगा? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इन हालातों में गहलोत क्या करेंगे कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन दो तस्वीरों को देखकर ये जरूर समझा जा सकता है कि राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर अब सचिन पायलट के लिए है। टीम चुनाव आज तक।